हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू माय चैनल झा ट्यूटोरियल। माय सेल्फ सात्विक झा। तो शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 13C की क्वेश्चन नंबर 56 से। देखिए, इसके बाद आने वाले जितने भी क्वेश्चन, इससे पहले मैं आपको कुछ एक सिंपल सा बात बता दूं। अगर कभी भी ईएक्स में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का फॉर्म दिया रहे तो आंसर होता है क्या ईएक्स एफ एक्स। अब देखिए क्या है, ईएक्स बाहर में रहेगा, अंदर कोई फंक्शन प्लस उसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया रहे तो आंसर इतना आता है। यह आप देख सकते हो वाले सवाल के एग्जांपल्स वाले पेज में, कहीं ना कहीं यह दिया हुआ होगा ही, ऐसा रहे तो ऐसा हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो मैं आपको प्रोसेस से बना के बता देता हूँ, उसके बाद हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सीधा क्वेश्चन, इसको आपको याद रखना है। एग्जाम में अगर 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 7 मार्क्स ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो लंबा लिखा रहेगा, तो आपको मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे बनाना है। और 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो आपको सीधे ये फॉर्मूला लगाना है, बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब एक्स अंदर में क्या दिया हुआ है, फंक्शन क्या है साइन एक्स और उसका डेरिवेटिव क्या है कॉस एक्स, तो दिया गया है, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए आपको ई एक्स साइन एक्स प्लस सी। आप तो एक लाइन बना दिए। अब हम इसको प्रोसेस से बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, ई एक्स साइन एक्स प्लस ई एक्स कॉस एक्स, ठीक है, अंदर ले गए इसको। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स ई एक्स। क्यों तोड़े ऐसे, इसको क्यों माने फंक्शन भैया, आईलेट पे, ठीक है ना, आई एल ए टी ई, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आएगा एक्सपोनेंशियल बाद में। और ये हो गया आपको डी बाई साइन एक्स बाई डी एक्स ई एक्स, और यहां प्लस में ई एक्स कॉस एक्स था। देखिए इसको हम लोग नहीं तोड़ेंगे क्योंकि ये कट जाएगा, ठीक है। तो कटेगा कैसे बता देते हैं, साइन एक्स ई एक्स, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपको साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स प्लस कॉस एक्स ई एक्स। देखिए कॉस एक्स को पहले लिख लिया, एक्स को बाद में लिख लिया। देखिए ये कट गया, बचा क्या, साइन एक्स ई एक्स, अरेंज करके लिख लीजिए ई एक्स साइन एक्स प्लस सी, आ गया ना ये वाला आंसर। अब आगे वाले सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इस रिजल्ट को यूज करेंगे, और आप ऐसे ही तोड़ लिया करिएगा, जिसका जो मतलब दिया गया ना, जिसका डिफरेंशिएशन, तो उसको ऐसे ही लिख लीजिएगा और बाकी को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दीजिएगा, सारे के सारे बन जाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर क्या है, ई एक्स कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन है ये, कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सीधा हो गया आंसर ई एक्स कॉट एक्स प्लस सी। 58 नंबर ई एक्स, और क्या दिया हुआ है, एक मिनट रुक जाइएगा, हाँ सेक एक्स और 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स, इसमें आपको लग तो नहीं रहेगा इसका ये है, दिखा देते हैं अच्छे से। ई एक्स अंदर क्या हो गया, सेक एक्स और सेक एक्स टेन एक्स, अब इसका तो डिफरेंशिएशन ये है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा ई एक्स sec x प्लस सी। 59th नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ये है ना, तो सीधा आंसर हो गया ई एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ई एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। देखिए ये क्वेश्चन लंबा है, इसको नेक्स्ट पेज में ही करते हैं, लंबा तो नहीं है लेकिन इतने जगह में नहीं होगा। तो क्या करते हैं हम लोग इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स को हम लोग मान लेते हैं लॉग साइन एक्स, ठीक है। अब ऐसा क्यों माने आपको बताते हैं, ठीक है।
तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट एक्स इंटीग्रेशन का डिफ्रेंशिएशन वहीं आ जाता है, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया ना, कॉट एक्स बराबर कॉट एक्स। तो इसी वजह से डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स साइन एक्स बराबर हो जाएगा कॉट एक्स, या फिर ऐसा समझ लीजिए मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन इतना आता है, हम आपको दिखाए हैं, अगर दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बराबर हो जाएगा, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन इतना आता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ex log sin x plus c। 61st नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ex tan x minus log cos x, फिर वही बात, इंटीग्रेशन ऑफ tan x को हम क्या मान लेंगे, log sec x। देखिए यहां पे हम लोग क्या किए हैं, ex tan x प्लस log sec x, अब हम लोग ऐसा कैसे कर दिए, देखिए साइड में बताते हैं, अब log माइनस log cos x को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस log cos x को लिख सकते हैं ना, वन बाई sec इनवर्स sec वन, अच्छा ऐसे लिख लीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं log वन बाई cos x, ठीक है, माइनस log वन बाई sec x लिख सकते हैं, माइनस log sec x का पावर माइनस वन। अब माइनस जब पीछे जाएगा, लॉग का प्रॉपर्टी होता है माइनस, जब पीछे जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस लॉग sec x, तो इसलिए ऐसा लिख लिया। अब इसको ये मान लिए, अब क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग sec x dx हो जाएगा tan x, तो आंसर कितना हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन इतना है तो आंसर हो गया ex log sec x c, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन में यही कर लेते हैं, क्या है, ex sec x plus log sec x plus tan x plus c, तो क्या करना चाहिए, अभी sec x को हम लोग log sec x plus tan x मानते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा किसका, log sec x plus tan x dx बराबर sec x। देखिए ये होता है इसलिए ये आया, ठीक है ना, यहां पे tan x का इंटीग्रेशन होता है इतना इसलिए डिफ्रेंशिएट किए, यहां पे भी ये होता है, आपको पता होना चाहिए ये होता है, मेरे मुंह से भी निकल गया, मान लिए मानते नहीं, मतलब ये होता है इसलिए ऐसा एज्यूम किए कि यहां पे ये हुआ होगा क्योंकि इससे ये दिख रहा था इसलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ex log sec x plus tan x plus c, ठीक है। देखते हैं 63rd नंबर क्वेश्चन, तो 62th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है आपको ex sec x प्लस log sec x प्लस tan x dx। देखिए होता क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होता है, log sec x प्लस tan x, ठीक है, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका सीधा हो जाएगा sec x, और ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ log sec x प्लस tan x बाय dx, तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, मतलब नहीं, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका तो इंटीग्रेशन ये था ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ex log sec x प्लस tan x प्लस c, ठीक है।
तो 63rd नंबर क्वेश्चन कहता है एक्स वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करना चाहिए, इसमें सिंपल सा एक काम करना चाहिए, इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो ये हो गया आपको एक्स वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और इधर एक कॉस से कॉस कट गया देख लीजिए, और ये हो गया आपको साइन बाय कॉस यानी टेन एक्स। अब सोचो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी यहां पे फंक्शन टेन एक्स है, तो इसका आंसर हो गया ई एक्स टेन एक्स प्लस सी। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब सिंपल ही क्वेश्चन था, अगर आप प्रोसेस से करते तो फिर टाइम लगता है। ये हो गया साइन एक्स कॉस एक्स माइनस वन बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर वही काम सिंपल डिवाइड लगा दीजिए। तो ये तो हो गया आपको एक साइन एक्स कटा और कॉस बाय साइन कॉट एक्स, और ये हो गया माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। अब देखिए कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स यानी फंक्शन कॉट एक्स है, तो इसका आंसर हो गया ई एक्स कॉट एक्स प्लस सी। इसी तरीके से देखते हैं 65th नंबर क्वेश्चन, क्या ई एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड लगा दीजिए। देखिए इस एक इसको करेंगे तो एक कॉस कट जाएगा और बचेगा क्या ई एक्स सेक एक्स। अब देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो पहले साइन बाई कॉस टेन एक्स और एक कॉस बच गया तो ये हो गया सेक एक्स। अब sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था sec x tan x, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ई एक्स sec x प्लस सी, ठीक है। अब देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन कहता है आपको ई एक्स टू माइनस साइन टू एक्स बाय वन 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 माइनस कॉस टू एक्स। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग तोड़ देते हैं टू साइन एक्स कॉस एक्स में, तो ये हो गया ई एक्स बाई टू माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स बाय, और ये क्या हो गया वन माइनस कॉस टू एक्स, क्या होता है टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इस दोनों में से टू को बाहर ले जाइए और यहां से टू बाहर हो गया तो ये दोनों कट गया, तो ये बच गया ई एक्स बाय वन माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं सिंपली हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको एक साइन सिक्स साइन कटेगा और कॉस बाय साइन कॉट एक्स। अब समझिए है क्या, अगर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए अगर कॉट एक्स को हम लोग डी बाई कॉट एक्स बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और मान लीजिए इसी तरह डी वाई माइनस कॉट एक्स का करते तो माइनस बाहर आ जाता और ये हो जाता डी बाई कॉट एक्स, और इसका आंसर तो था यहां माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू दिख नहीं रहा होगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो इसलिए माइनस कॉट एक्स का दिया हुआ डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो इसका आंसर हो गया माइनस ई एक्स कॉट एक्स प्लस सी, ये माइनस जो है कॉट एक्स वाला है, ठीक है। तो 67th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ई एक्स वन प्लस साइन एक्स बाय वन प्लस कॉस एक्स, क्या करते हैं डिवाइड लगाते हैं एक्स बाय वन बाय वन प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय वन प्लस कॉस एक्स, ये क्या हो गया ई एक्स बाय वन बाय टू कॉस स्क्वायर एक्स, किसका होता है ये, और इधर क्या इसको तोड़ लेते हैं हम लोग टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू में, और ये तो हो गया आपको टू कॉस स्क्वायर, अच्छा 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 वन प्लस कॉस एक्स है ना, तो टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू होगा ना, और ये हो गया टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, एक टू से एक टू कटा एक से एक कटा,
ये क्या होगा, ये हो गया आपको ई एक्स हाफ sec स्क्वायर x बाई टू प्लस tan x बाई टू। अब tan x बाई टू का इतना होता है, क्योंकि tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो tan x बाई टू का होगा हाफ sec स्क्वायर x बाई टू, तो आंसर हो गया ई एक्स टेन एक्स बाई टू प्लस सी। ठीक है, तो फिर 68th नंबर क्वेश्चन जो है ये है आपको ई एक्स साइन फोर एक्स माइनस फोर बाय वन माइनस कॉस फोर एक्स। ऐसे ही तोड़ते हैं, देखिए अब ई एक्स साइन फोर एक्स बाय वन माइनस कॉस फोर एक्स को एक जगह और माइनस फोर बाय वन माइनस कॉस फोर एक्स को एक जगह। ये हो गया ई एक्स साइन फोर एक्स को कैसे लिख सकते हैं, टू साइन टू एक्स कॉस टू एक्स, और वन माइनस कॉस फोर एक्स को कैसे ले सकते हैं, टू साइन स्क्वायर टू एक्स। ये हो गया माइनस फोर बाय टू साइन स्क्वायर टू एक्स, कट गया टू बचा, इधर भी कुछ कट रहा है, हाँ टू टू कट रहा है और एक साइन से एक साइन भी कट रहा है, और यहां क्या बच गया कॉस बाय साइन। ये हो गया ई एक्स कॉट टू एक्स, और यहां क्या बच गया टू पर टू बचा और साइन ऊपर गया तो कॉस एक्स स्क्वायर टू एक्स डी एक्स। अब गौर से देखिएगा इसका डिफरेंशिएशन इतना होगा, आप कर लो चेक कर लो, तो ये हो जाएगा ई एक्स कॉट टू एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपको 69th नंबर, ये है ई एक्स दिया गया वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन वर्स एक्स प्लस वन बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपली करते हैं, डिवाइड लगाते हैं, ये हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया वन बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये कट गया, बचा क्या ई एक्स साइन इनवर्स एक्स बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोगों को दिख गया होगा इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ई एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपको ई एक्स वन प्लस एक्स लॉग एक्स बाई एक्स अब होल के अंदर एक्स तोड़ लेते हैं ई एक्स, ये हो गया वन बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स बाय एक्स, एक एक्स कट गया, ये हो गया ई एक्स। ठीक है, लॉग एक्स को हम लोग पहले लिख लेते हैं और वन बाई एक्स को बाद में लिख लेते हैं। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो आंसर कितना हो जाएगा ई एक्स लॉग एक्स प्लस सी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 71st क्वेश्चन क्या कहता है, ई एक्स एक्स बाय वन प्लस एक्स एक्स का होल स्क्वायर है। हाँ, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग ई एक्स स्क्वायर की रन देते हैं, इसमें क्या करते हैं एक जोड़ते हैं एक घटाते हैं और वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर नीचे ऐसे ही। अब क्या करते हैं हम लोग इसको एक टर्म मानते हैं, इसको एक टर्म मानते हैं, ठीक है, और इसको इससे डिवाइड लगाते हैं, तो ये हो गया ई एक्स करके दिखा देते हैं वन प्लस एक्स बाय वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस वन बाय वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक एक्स से एक से एक कटा यानी वन प्लस एक्स से वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर का एक कटा, तो ई एक्स बाय वन प्लस एक्स माइनस वन बाय वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन ये है, कर लो चेक कर लो, ई एक्स छोड़िए आप लोग समझ गए होंगे, सीधा लिखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा ई एक्स बाय वन प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, इस तरह देखते हैं हम लोग। अब 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ई एक्स एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस वन का होल क्यूब। ठीक है, इसमें क्या करते हैं एक जोड़ते हैं एक घटाते हैं, तो ई एक्स बाय एक्स प्लस वन माइनस वन माइनस वन, एक जोड़े एक घटाए बाय एक्स प्लस वन का होल क्यूब। अब क्या हो जाएगा, अब इसको ऐसा लिख लेते हैं ई एक्स बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस वन का होल क्यूब माइनस टू बाय एक्स प्लस वन का होल क्यूब। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई एक्स बाय वन बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू बाय एक्स प्लस वन का होल क्यूब। अब इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो आंसर हो जाएगा ई एक्स बाय
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है, ये है आपको e का पावर x 2 माइनस एक्स बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। वही काम क्या करते हैं, वही काम करने की जरूरत नहीं, ये 2 है ना, तो इसको 1 प्लस 1 में तोड़ देते हैं, ex बाय 1 प्लस 1 माइनस एक्स बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ऐसा कैसे कर पाते हैं, ऐसा इसलिए कर पाते हैं कि देखिए यहाँ 1 माइनस एक्स है, तो ऊपर 1 माइनस एक्स लाने की कोशिश करते हैं ताकि कट जाए, तो ये हो जाएगा ex बाय, देखिए तो 1 माइनस एक्स बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया ex, और ये कितना बच गया 1 बाय 1 माइनस एक्स प्लस 1 बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो आंसर हो जाएगा ex बाय 1 प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो देखते हैं 74th नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, ex बाय x माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। अब क्या करेंगे, इसको लाना है तो ऊपर में माइनस 3 को माइनस 1 और माइनस 2 में तोड़ देंगे, ये हो गया ex बाय x माइनस 1 माइनस 2 बाय x माइनस 1 का होल क्यूब। अब देखिए सीधा करेंगे, इसको इससे भाग लगाएं तो हो गया 1 बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 2 को ऐसे लेने दिए। अब आप कर लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन है ये, तो आंसर हो गया ex बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। इसी तरीके से देखते 75 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपको e का पावर 3x बाय 3x माइनस 1 बाय 9x स्क्वायर। तो इसमें आप थोड़े से कंफ्यूज आएंगे, 3x आ गया क्या करें, तो 3x को t मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए 3x बराबर t है, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बाय 3। ठीक है, पुट कर दीजिए यहां पे, ये क्या हो गया e का पावर t बाय t माइनस 1 बाय t स्क्वायर इंटू dt बाय 3 बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया 1 बाय 3 बाहर आ गया, और ये बचा ई टी बाय 1 बाय टी माइनस 1 बाय टी स्क्वायर। देखिए टी को टी स्क्वायर से किए तो 1 बाय टी, और माइनस 1 बाय टी स्क्वायर है तो माइनस 1 बाय टी स्क्वायर। अब आप और देखिए, इसी का डिफरेंशिएशन में ये है, तो आंसर हो जाएगा आपको देखिए 1 बाय 3 और इधर बच जाएगा ई टी बाई टी, 1 बाय 3 और t की जगह 3x, तो e 3x बाय इतना 3 का पावर x, तो फिर हो गया। ठीक है, तो ये x इसके साथ है, तो ये हो जाएगा e 3x बाय 9x। ठीक,